हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। बस हाथ दर्द थोड़ा सा कम हुआ है। अंकल जो पाउडर दिए थे ना, काफ़ी इफेक्टिव था। अच्छा अच्छा पाउडर दिए थे, तो अभी भी करूँगी। तो सुबह उठी ना, आई धोई, काफ़ी लेट से उठ रही हूँ गाइस आजकल मैं, बहुत लेट से। तो उठी ना, आई धोई नहीं, उठी फिर काम, घर का झाड़ू वाड़ू सारा कर ख़त्म करके फिर नहा के फिर ब्रेकफास्ट किया। आज ब्रेकफास्ट में गीता बनाई थी पास्ता, बहुत अच्छा बनाई थी। मैं दीदी अपना फ़ोन चार्ज में, एक्चुअली में मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था इसलिए चार्ज में दी थी। और हाँ गाइस, आज है छोटी दिवाली, तो आप सबको मिल सकता है हैप्पी छोटी दिवाली। दीपावली कितनी कितना खुशी लगता है दीपावली जब आता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ दीपावली, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फाइनली मेरा जो स्नैक्स था वो कंप्लीट हो गया, बहुत खुशी बनाना। बस कुछ मुझे बोले बनाओ तो मैं और बना दूँगी। मेरी मम्मी ना मेरे चप्पल से मारती जगह पर नहीं, अब रखने के लिए पूरा पूरा स्टोरेज सब फूल हो चुका है। ये मम्मी मुझे क्या वरी ना आते, हमें और बना लो, और थोड़ा कुछ है तो वो भी बना लो, फिर वो भी बना। तो चलो देखते हैं, पता नहीं मम्मी क्या बना रही खाना में, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बना रही है सारा खाना मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ। बाप रे, ऐसा लगा मेरा मजाक बहुत। क्या बन रहा है? केला भुजिया ना, भात हो गई, चावल हो गया है, भात हो गई, चाय बना रही, ब्लैक टी। आज मम्मी बनाएगी बंगाली डिश। यहाँ पे व्हाइट टी पी रही हूँ गाइस, देख सकते मम्मी बना रही है बंगाली डिश। सर मम्मी क्या बना रहा? पुई साग का खेत ना, पुई साग रे, आलू बड़ी रे। तो आई हेट जी, बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी अब शेयर करो अपना रेसिपी। ये मम्मी शेयर करेगी गाइस आप लोग के साथ अपना रेसिपी। देख सकते हैं, मैंने कट करके रखा हुआ है बाल्टी पे। कहाँ है? थाली के नीचे गाइस, देखिए यहाँ पे काट के रखा हुआ आलू भी है नीचे में। देखिए एकदम कोची वाले खरीदे थे मैंने। हाँ हाँ ठीक है, पता चल गया सब एकदम ठीक है। ओके गाइस, चलो मम्मी बनाएगी तब मैं आऊँगी कैमरा लेके। सो गाइस, मम्मी यहाँ पे सब्जी बनाना शुरू कर रही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ उनकी रेसिपी। तो पुई साग आलू में ना मम्मी बड़ी भी ऐड करती है, इसमें इससे सब्जी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ऐसे तो उसमें चिंगड़ी और मच्छी का मुंडी होता है ना, वही पर दे के बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी बड़ी दे के बना रही थी। सबसे पहले यहाँ पे उड़द दाल की बड़ियों को मम्मी फ्राई कर रही है, फ्राई करके ही ऐड करते हैं सब्जी में। तो यहाँ पे बड़ी जो है हमारी वो फ्राई हो चुकी है। तो अब सेम कढ़ाई में मम्मी ने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तब इसमें ऐड करिए पचफोरन। पचफोरन से ना सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए इसमें पचफोरन ऐड कर रही है। तब इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, इसके बाद इसमें ऐड करेगी प्याज और हरी मिर्च। तब इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो जो गीता ने कट करके रखा है ना पूरी साग आलू, उसको अच्छे से वॉश करके इसमें ऐड कर देंगे। तब देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमारा जो प्याज था वो अच्छे से फ्राई हो चुका था। मम्मी इसमें पूरी साग और आलू ऐड कर रही है। अब इसको ढक करके तो एक मिनट ऐसे छोड़ देंगे, तो इससे सब्जी ना थोड़ा कम हो जाएगा। जस्ट एक मिनट बाद इसको खोलें, तो मम्मी इसमें हल्दी ऐड कर रही है। हल्दी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। हल्दी सब्जी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें मम्मी ने ऐड कर दिया नमक। अब इसको भी ढक दिए, थोड़ा देर एक दो मिनट पकने के बाद इसको मम्मी खोली है। तो इसमें अब मम्मी ऐड करेगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो इसको मम्मी अंदर ऐड कर दिए जिससे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो भून जाए। आप चाहो तो प्याज के साथ भी ऐड कर सकते हो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसमें भून के फिर अब वेजेस ऐड कर सकते हो। तो मम्मी ऐसे ऐड किए, तब इसको ढक देंगे, दो तीन मिनट इसको पकने देंगे गाइस। तब तक वो हो रहा है, तब तक मम्मी यहाँ पे का मसाला प्रिपेयर कर रही है। तो यहाँ पे मसाले में लिया है मम्मी ने सरसों और पोस्तो। मम्मी सरसों पोस्तो कितना कितना लिए?
दो चम्मच सरसों और एक चम्मच पोस्ता। मम्मी को अच्छा सा इसको पीस के पेस्ट बना लेगी। ये देखिए गाइस राहुल यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे राहुल सारा लाइट लोगों को टेस्ट करके देख रहा है सब जल रहा है कि नहीं। अभी वो बाहर पूरा सभी लाइट लोगों को लगाएगा। ये देखो दोनों मिलके दोनों का दिमाग चलेगा अभी। ये देखो सब लाइट को टेस्ट करके देख ले सभी जल रहे हैं। राहुल सब जल रहे हैं ना? जल रहे जल रहे जल रहे। ये यहाँ पे मम्मी का पीसना भी हो गया है। मम्मी निकाल रही है। ठीक है ये देखिए गाइस जब तक मम्मी का पीसना हुआ ना तब तक हमारा जो पुई साग है वो भून चुका है अच्छे से। ये तो खत्म हो गया। तो मम्मी उसमें वो मसाला जो पीसी थी सरसों पोस्तों वो उसमें ऐड कर दिए। साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड किए। तो सरसों पोस्तों को ज़्यादा भूनते नहीं है क्योंकि उससे सरसों जो है ना कड़वा हो जाता है। तो साथ में इसमें मम्मी ऐड कर दिए टमाटर। तो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा एक दो मिनट इसको भूनेगी उसके बाद इसको पानी ऐड कर देंगे। तो इसको भूनने देते हैं एक दो मिनट। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे मम्मी ना थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया ताकि जो लाल मिर्च का पाउडर है सब्ज़ी में अच्छे से मिल जाए। तो इसको भी एक मिनट भूनेगी। सब्जी का मोस्ट पार्ट होता है कि वो अच्छे से भूने। जब अच्छे से भून जाता है सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो सारी चीज़ अच्छे से भून गए थे तो मम्मी इसमें ऐड कर रही है पानी। पानी वही ग्रेवी के हिसाब से ही ऐड करना। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो उस हिसाब से पानी ऐड करना। तो यहाँ पर मम्मी ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेगी तो हिसाब से मम्मी इसको पानी ऐड कर दिए। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको ढक देगी मम्मी और इसको कुक करेगी। ये देखो राहुल तो लगाना भी स्टार्ट कर ये देखिए राहुल तो लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए गाइस सब्जी हमारी पक चुकी है। तो मम्मी यहाँ तो बढ़िया ऐड कर रही है। एक्चुअली बड़ी अभी इसलिए ऐड कर रही है ना क्योंकि बड़ी ये वाला बड़ी जल्दी पक जाता है तो इसलिए इसको लास्ट में ऐड कर रही है। तो बस इसे और एक मिनट कुक करेंगे फिर सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अरे देखिए गाइस यहाँ पर राहुल और गीता लगे पड़े हैं मेहनत कर रहे हैं फटाफट जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जो सब्जी थी वो भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए बड़ी भी अच्छे से पक गई है। देखिए टूट गई है ये बड़ी। ऐसे ही होता है घर में जो बना हुआ बड़ी होता है ना वो नहीं टूटता है वो अच्छा होता है। तो बट ये बाहर से लेके आए तो बस हमारी सब्जी रेडी है। हे एवरीवन क्या हुआ? देखिए गाइस बिल्ली मौसी पीछे पीछे घूम रही है। रुकिए मैं आपको गाइस यहाँ पे बिल्ली मौसी पीछे पीछे घूमते बिस्कुट के लिए। लाइन पे नहीं है ले। खा ये देखिए ना एक जगह पे खाती नहीं है इधर उधर करके खाती है। खाना तो खा लिया है गाइस हम सब ने। तो मैं सोची थोड़ा मैं अपना हाथ सेक लूँ काफ़ी दर्द भी दे रहा है यार पर काफ़ी रिलीफ मिला है। तो फिर मैं गई थी ना तो मुझे ये यही वाला दिए थे क्या है पता नहीं वो बोले थे कि गर्म पानी में मिला के हाथ सेकने के लिए। तीन बार का दिए थे कल दो बार सेकी अभी हो गए एक बार। देखिए हाथ मेरा काफ़ी काफ़ी कड़ा था फिर नरम हुआ। देखिए पहले दब भी नहीं रहा था पूरा कड़ा था। इसमें गर्मा गर्म पानी मैंने मिला दिया है इसको फिर मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद इसमें अपना उंगली दबाऊंगी।
ये देखिए गाइस, शाम की आरती हो गई है तो मम्मी अब दीप जला रही है। तो चलिए अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। राहुल और गीता ने जो कमाल किया है वो दिखाती हूँ। दोनों ने बहुत मेहनत की है, लाइट बहुत मेहनत से लाइट लगाया, खिला तो लग ही नहीं रहा था गाइस, बहुत मेहनत से ये लोग लगाए हैं। राहुल बहुत मेहनत किया है, देखिए फाइनली अच्छे से लग ही गया है, देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे ना गाइस हर साल, मतलब ये जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छा लाइटिंग का कंपटीशन होता है। मैंने पूरा घर में लाइटिंग लगा रहता है, बट अभी तो कम हो गया है। ये देखिए यहाँ पे मम्मी दिया रख रही है, आज छोटी दिवाली है। दिया तो धनतेरस के दिन से ही जलाया जाता है। ये देखिए सब लोग लगाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ही दो तीन घर ही लगा हुआ है मेरे। यहाँ पे सामने वाले आंटी लोग भी लगाई है, देखिए वहाँ पे दो जन लगाया है। तो पहले पूरा लाइन पूरा लगाता था, अभी तो यहाँ पे कम हो गया है, बहुत लोग रहते भी नहीं है इसलिए। ये गाइस गीता क्या तो कर रही है, डाल गया रही है मेहंदी। सुबह सुबह दिखाओ तुम्हारा मेहंदी, सूखा सामान सब ला लिए। कैसी है तबीयत? तुम्हारा ठीक मेहंदी डिजाइन दिखाओ हम लोग को। हाँ गुड वही तो, गुड, मेरा भी पूरा बॉडी दर्द दे रहा था बेटा, हम बहुत भी अच्छा पेन किलर खाया, अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था। वैसे गीता को सिर्फ बहाना चाहिए पंद्रह मेहंदी केजी की लगाने मैंने के वैसे। लिए। देख सकते हैं गाइस, उंगली भी हाँ हो हम लोगों गया का है। पूरा पंखा, ओ तो अब हाँ देख गीता का सकते हैं। मेहंदी हम लोग हाँ कल देखेंगे जल्दी जल्दी, कितना अच्छा है। रीमा ने कहा था कि वो इलाहाबाद में लगा देगी पर वो मुझे धोखा दे दी गाइस। काम भी नहीं किया था गाइस, ना, ऐसा बात नहीं, आप लोग तो जानते हैं मेरा हाथ में भी दर्द है पूरा। आज तो खत्म हो गीता जाएगा। समझते ही नहीं है गाइस। और यहाँ पे मम्मी दीदी से बात कर हाँ रही हाँ है। लाइट मार, लाइट हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हो गाइस सब? मैं हूँ अभी किचन में, मैं बना रही हूँ पटल का भुजिया। एक्चुअली ना मुझे दिन में जो सब्जी बनाता है वो नहीं पसंद है गाइस, मैं उसमें से आलू और बड़ी चुनके खा ली थी। मुझे बड़ी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, फिर आलू बड़ी चुनके खा ली थी, बट बाकी का और नहीं खा सकती थी। तो अभी मम्मी चावल और टमाटर वाला दाल बनाई है और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाई है। तो मैं थोड़ा सा परवल का परवल फ्राई कर रही हूँ, तेरे को पीछे दाल भात तो अच्छा नहीं लगता सिर्फ, तो इसलिए परवल फ्राई कर रही हूँ, तो मैं साथ में हो जाएगा। तो अभी वो भूज रहा है, अभी मैं छोड़ के चल गई थी तो जल भी गया गाइस थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अभी छोड़ के चली गई थी तो ये जल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा नहीं चला, थोड़ा ही चला। अरे देखिए आप, मम्मी दाल बनाई है, जस्ट गर्म गर्म दाल चावल। अरे देखिए चटनी, टमाटर की पीसी वाली चटनी है मम्मी बनाई है। अरे देखिए दिन वाला सब्जी है। तो बस ये भुजिया हो जाएगा तो फिर मैं भी खाऊंगी खाना, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है यार। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी कल वाली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। कल बहुत काम है यार, कल तो दिवाली है, बहुत सारा काम है घर में, सुबह से बिजी रहो बिजी रहो। ऐसे तो काम जारी ही था पर जब तक दिवाली ख़त्म नहीं होगा तब तक वो काम रहेगा ही रहेगा, उसके दूसरे दिन भी तो ग्रहण है, तो क्या बोले। तो बस फिर बन जाएगा खाना, खा लूँगी उसके बाद सो जाऊँगी। तो हाँ मैं खाती, हाँ तो बड़ी दी खाना ये हो जाएगा तो फिर मैं भी खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी मैं भी, सर भी हल्का हल्का तड़पते रहे मेरा। और कल दीपावली है तो कल तो मैं बोलूँगी, बट आज मैं आप लोगों को एडवांस तो बोल रही हूँ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली सबको। सब इंजॉय करो, मस्त खाओ पियो, खुश रहो, यही है आप सबके लिए मेरे दिल से दुआ, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी दीपावली गाइस। ओके चलो गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो गाइस। आप सपोर्ट करोगे तो ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।